तो देखो, एक्चुअल में ये जो वीडियो है मुझे बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ भाई एक्चुअल में ये रिप्लाई या फिर बायोस दे दे के। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डेस्कटॉप मदरबोर्ड का बायोस डाउनलोड करना नहीं आता है, और उनके लिए ही है ये वीडियो। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है एकदम, आप इजीली देखो तो एक ही बार में समझ जाओगे, और जिन लोगों को पता है वो इस वीडियो को स्किप करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो बस उन लोगों के लिए है जिनको बायोस डाउनलोड तक की करना नहीं आता, ठीक है। तो ये वीडियो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बना रहा हूँ। तो देखो अभी क्या है, फ्री डेस्कटॉप का बायोस आप कैसे डाउनलोड करोगे, मतलब ऑफिशियल साइट से। तो हर बोर्ड का बायोस आपको नहीं मिलेगा, इनमें से आपको MSI का मिलेगा, आसूस का मिलेगा, एजरॉक का मिलेगा, गीगाबाइट का मिल जाएगा, और गिन चुन के और दो एक बोर्ड है इनका मिलेगा, फॉक्सकॉन का मिल जाएगा। पर चाइनीज़ जो मदरबोर्ड है हमारा, वो मदरबोर्ड में बायोस आपको ऑनलाइन पे नहीं मिलेगा। तो ये गूगल कर लिया हमने। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी, तो मैं गीगाबाइट से पहले शुरू करता हूँ। तो देखो, कोई भी मदरबोर्ड का बायोस आपको चाहिए, डाउनलोड आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले वो जो मदरबोर्ड में मॉडल नंबर लिखा होता है वो प्रॉपरली गूगल पे आपको लिखना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, फुल ही लिखना है, गीगाबाइट तो छोड़ दो, गीगाबाइट नहीं लिखेंगे तो हम फिर भी लिखेंगे गीगाबाइट GA H61 M, चलो S1, चलो S1 का ही बायस हम लेंगे। चलो ये S1 का बायस मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है वीडियो में, ये देखो फर्स्ट में जो हमारा बायस आया है, ये देखो गीगाबाइट का ऑफिशियल साइट है ये। तो इसमें आप क्लिक करो, सिंपली क्लिक करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिंपली क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर सकते हो। ये हमारा जो इंटरफेस अभी ओपन हुआ है, ये गीगाबाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो गीगाबाइट A61M S1 Revision 2.0। अगर आपका 3.0 का रिवीजन है, या फिर 4.0 का है, या फिर 2.2 का है, या फिर 2.1 का है, आप इनमें से कोई भी एक क्लिक करो तो उसी वर्षन पे ये चला जाएगा। तो देखो अभी ये देखो, ये अभी रिवीजन इसका जो है 4.0 आ गया यहाँ पर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, राइट साइड पे चला जाएंगे, टॉप ऑफ राइट कॉर्नर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, ये सपोर्ट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद ये देखो बायोस करके यहाँ पर Plus 3, मतलब इस बोर्ड का 3 बायोस अवेलेबल है यहाँ पर। जब भी आप क्लिक करोगे तो नीचे थोड़ा सा पेज खुल जाएगा, आपको स्क्रॉल करके स्क्रॉल अप करना है, ऊपर जाना है, उसके बाद ये है हमारा बायोस। तो ये हो गया हमारा F2, ये फर्स्ट रिलीज वाला बायोस है F2, फर्स्ट बायोस इसका F2 आया था, F2 नाम करके होता है ये, 2.78 MB, और ये रेयर फाइल में होता है। उसके बाद F3 F4। तो कोई भी बायोस आप चाहो तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करो। अब देखो लोडिंग ले रहा है, ये देखो नीचे जो है हमारा डाउनलोड होना चालू हो गया। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, ये देखो नीचे हमारा बायोस कहाँ गया, ये ऊपर में गॉट इट कर देता हूँ। तो ये कोई भी एक बायोस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर देखो, ये देखो डाउनलोड होना चालू हो गया डाउनलोड। अब इसको ओपन करना है और ये आ गया हमारा बायोस, MB BIOS GA61M S1 Version 3। तो इसको आप कॉपी करना है, उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आप जो भी करो सिंपली हो जाएगा। तो ये चला गया गीगाबाइट का, कोई भी मॉडल नंबर, कोई भी गीगाबाइट का बोर्ड हो, आपको बस गूगल पे क्या करना है, गूगल पे बस मैंने जैसे लिखा यहाँ पर मॉडल नंबर लिख देना है, उसके बाद
फर्स्ट में जो ऑफिशियल साइट आता है उसमें आप इंटर कर जाओ। उसके बाद जैसे मैंने दिखाया, वीडियो को बैक करके आप पॉज कर करके देख लेना, ठीक है। तो ऐसे करके हर गीगाबाइट का बायोस डेस्कटॉप मदरबोर्ड का आपको ऑफिशियली फ्री मिल जाएगा। और ये जो बायोस आपको मिलता है ये बिल्कुल 100% जेन्युइन होता है। और बाकी सारा आप जो इधर उधर ग्रुप से कलेक्ट करते हो उनमें से क्या होता है, कभी कभार डिस्प्ले तो दे देता है पर कभी कभार देखा जाता है कि बायोस का ही इशू है, वो ग्रुप में जो फ्री बायोस मिलता है वो कोई काम का नहीं रहता है। तो आप जो बायोस ऑफिशियली मिलता है उसे ऑफिशियली डाउनलोड करो अगर बायोस का रिक्वायर्ड है आपको। तो अभी हम यहाँ पर गूगल पे चला जाएंगे, आसूस पे। तो ASUS आसूस H61M A61MK, ये देखो K आ चुका है। तो CS लेता हूँ मैं, A61M CS। तो ये हो गया हमारा आसूस का A61M CS। फर्स्ट में जो आया है सपोर्ट, ये देखो आसूस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें आपको इंटर कर जाना है, मतलब क्लिक करना है। तो ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी दिखा सकता था पर मैं डायरेक्टली फ़ोन पे दिखा रहा हूँ, ऐसे वीडियो कर रहा हूँ मॉनिटर के ऊपर फ़ोन रख के। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जब भी आप फर्स्ट ऑफिशियल बायोस पे आप क्लिक साइट पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। इसके बाद बायोस आपको नीचे पीछे कहीं पर भी नहीं दिखेगा। इसके बाद आपको जाना है ड्राइवर एंड टूल्स पे, ठीक है। तो ड्राइवर एंड टूल्स पे आप जब क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर नीचे में दिखेगा बायोस और फ्रेमवेयर। तो बायोस और फ्रेमवेयर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, ये देखो बायोस और फ्रेमवेयर जो है हमारा, ये हमारा सारा बायोस लेटेस्ट जो अभी इस बोर्ड का बायोस था वो ये है, A61M CS बायोस। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका बहुत सारा बायोस है। आप यहाँ पर शी ऑल डाउनलोड करोगे तो देखो नीचे इसका बहुत सारा बायोस आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दो बायोस ही अवेलेबल है। तो आप इनमें से कोई भी एक को यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो ये देखो ऊपर में ऑफिशियल ये ऑलरेडी डाउनलोड होने लगा है और मेरा तो हो चुका है। तो ये जब बायोस डाउनलोड हो गया तो ये हमारा आसूस का बायोस आ गया। तो इसको आप एक्सट्रैक्ट करके फिर प्रोग्रामर में डाल के रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो ऐसे मतलब जो जो मैंने बोर्ड बोला ऐसे ऐसे करके आपको बायोस डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पर अगर MSI पे चला जाओ तो MSI का जो बोर्ड है, कोई भी एक बोर्ड लेते हैं, MSI H110 ये लेता हूँ मैं, ठीक है, H110M Pro VH+। तो इसको क्लिक करो तो इसका जो फर्स्ट ऑफिशियल साइट है ये MSI का नहीं है और ये जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है ये है MSI का ऑफिशियल साइट। तो इस पर इंटर कर जाओ, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करो, नेट स्लो है। तो इसका भी कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो बायोस है ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पर नीचे देखो इसका जितने भी बायोस है सारा लगभग यहाँ पर है। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई भी एक चूज़ करो और नॉर्मली सिंपली यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करो और ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो इसे ओपन करते तो ये देखो MSI का जो मॉडल नंबर के साथ बायोस था वो कुछ इस तरह से था, 7A15B15 version 15। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, उसके बाद आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इसमें एक प्रॉब्लम है, आप अगर छोटा वाला CH140 करके कुछ प्रोग्राम आता है उनमें अगर ये बायोस डालोगे तो ये नहीं लेगा, ये बायोस उनमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये अगर आप RT809F यूज़ करते हो तो आराम से ये बायोस इसमें जो भी फाइल है एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें जो भी फाइल है वो आराम से वो प्रोग्रामर में सपोर्ट कर जाता है। पर अगर 300-500 वाला जो प्रोग्रामर होता है मार्केट में उसमें सिर्फ बिन फाइल ही सपोर्ट करता है। तो इसके लिए भी जुगाड़ है। तो आप अगर इस वीडियो को देखते अगर कुछ और रिक्वेस्ट रहा तो उसको बनाऊँगा। तो कैसे आपको EXC से बिन करना है या फिर कैप से बिन करना है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि ये वाला होता है, वो सॉफ्टवेयर UEFI Tools, ठीक है।
तो इसमें डाल के आप इजीली ओरिजिनल बायस को बिन में कन्वर्ट कर सकते हो। जो लोग सिर्फ CH140A प्रोग्रामर यूज़ करते हो उन लोगों के लिए, क्या मॉडल था उसका, CH140A करके कुछ है, वो अगर बायस वो प्रोग्रामर यूज़ करते हो जो भी लोग, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर नहीं रहा तो आप बायस डाउनलोड करके भी आप रीप्रोग्राम नहीं कर पाओगे। हाँ, गीगाबाइट का बायस ऑलरेडी बिन फाइल में होता है, उसको आप कर पाओगे, बाकी आसूस का भी नहीं कर पाओगे, MSI का भी नहीं कर पाओगे, ASRock का भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो डालेंगे, ऑलरेडी ये 10 मिनट हो चुका है, तो इसमें भी एक शॉर्ट डाल देंगे अगर रिक्वेस्ट रहा तो। तो ये था एक बेसिक छोटा सा नॉलेज जो बिगिनर्स लोग हो, और मुझे हर बार ये छोटा सा मतलब रीज़न के लिए टेक्स्ट करते हो, मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, तो मैंने सोचा उन लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इजीली ऑफिशियल साइट से बायोस डाउनलोड करो और खुद का काम खुद करो। क्योंकि इस लाइन में ऐसा है, अगर डिपेंडेबल हो आप तो आपका कोई भी काम ठीक से नहीं बनेगा। आपको जो भी करना है खुद करना है, डिपेंडेबल थोड़ा सा कम होना है। ठीक है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेबल हो तो आप इस फील्ड में एक चीज़ सोच लो, ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे। मतलब जो भी करना है खुद को ही करना है। हाँ, कुछ हद तक सपोर्ट आप मांग सकते हो, सपोर्ट आपको मिलेगा, ले सकते हो, वो बात अलग है, पर बार बार बायस मांगना, एक छोटा सा नॉर्मल सा एक केस है, आपको डाउनलोड भी करना नहीं अगर आता है, इसके लिए भी आप मांगते फिरोगे, तो एक तरह का डिपेंडेबल हुआ एक। और मैं चाहता हूँ जो भी बंदा इस फील्ड में हो वो अपने तरह से काम सीखो, और जितना खुद कर पाओगे उसमें ही आपका अच्छा है बुरा है, नॉलेज बुरा नहीं है, अच्छा है, नॉलेज भी अपग्रेड होगा। पर आप जब तक डिपेंडेबल रहोगे नॉलेज तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप तो सोच रहे हो फ्री में मिल रहा है, मांगा तो 2 मिनट बाद मिल गया, 1 घंटा बाद दे दिया, तो ये कोई सलूशन नहीं है, और खुद भी अपग्रेड नहीं हो पाओगे इसके चक्कर में। तो देखो, और कोई भी हेल्प लगे, कुछ भी क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम करो या फिर कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। तो मैंने बस नॉर्मली फ़ोन को रखा, बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर फ़ोन रख के काम करना, तो सिंपली मैंने 2-3 बायस डाउनलोड करके दिखाया। बाकी जो जो बायस मिलता है ऐसे ही डाउनलोड करना है आपको। चाइनीज़ मदरबोर्ड जितने मार्केट में है, एक भी बायस आप ऐसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका कोई बायस गूगल पे है ही नहीं, तो उनके उसके लिए आपको हेल्प मांगना पड़ेगा कभी कभार। पर जो बायोस इजीली मिलता है उसके लिए आप हेल्प मांग के, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल मत हो, खुद का काम खुद करो, अपग्रेड रहो और आगे बढ़ो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। लव यू ऑल। जय हिंद।